मणिकरण पार्वती नदी के तट पर बसा एक छोटा सा शहर जो कि प्रसिद्ध है अपनी धार्मिक विविधताओं के लिए। दोस्तों, ये छोटा सा शहर हिंदू तथा सिख अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। ये शहर 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह की चहल पहल, तो दोस्तों ये जगह प्रसिद्ध है श्री नानक देव जी गुरुद्वारे के लिए जो कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। आप यहाँ आएंगे तो आपको सिर्फ सिख धर्म के लोग नहीं बल्कि सभी प्रांतों के सभी धर्मों के लोग मिलेंगे। यहाँ पर आकर कोई गुरुद्वारे में रुकता है तो कोई गेस्ट हाउसेस में रुकता है, कमाल का एक माहौल बनता है जहाँ पर आकर हम सबको एंजॉय करना चाहिए, सबको मजे लेने चाहिए। दोस्तों, अभी जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ उसको संगम कहा गया है। मणिकरण की ये जगह कई मायनों में बहुत पवित्र मानी गई है। इसी जगह पर एक बार भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी थी जिसकी ऊर्जा के कारण माँ नैना भगवती का जन्म हुआ। इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में आपको मिलेगा। मणिकरण की इस पवित्र भूमि का उल्लेख आपको महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोकल लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी मूल स्टोरीज निकल कर आएंगी जिनको जानना बहुत ही रोचक होगा। अक्सर हिमालय की इन पहाड़ियों पर आकर लोग नहाना धोना छोड़ देते हैं दोस्तों ठंड के कारण, लेकिन यहाँ आप आएंगे तो आपको गर्म पानी के सोते मिलेंगे जिनमें आप जब चाहे डुबकी मारें, आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। मैं तो बहुत नहाना प्रेफर करता हूँ और मैं भी आपके सामने इस नदी में कूदने जा रहा हूँ। मैं भी नहाऊंगा, आप भी नहाएं, मजे करें। तो शाम का बहुत सुहाना सा वक्त है और मणिकरण की गलियों को छानते हुए मैं इस वक्त इस चौराहे पर खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे है भगवती नैना माता मंदिर, जिस स्थान की अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये स्थान प्रसिद्ध है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के लिए, तो यहाँ पर आपको लजीज पंजाबी खाना, पार्वती नदी का बहता हुआ व्यू और शाम की ठंड
तीनों का मिलकर एक ऐसा मिक्सचर बनता है जो आपको बहुत ही सुहाना एक्सपीरियंस देगा। स्टार्टिंग पॉइंट है मणिकरण की मार्केट का और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक लंबी सी मार्केट है, आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। दोस्तों इस मार्केट को देख के आपको कुछ और जगह की याद आ रही होगी, शायद दिल्ली के चांदनी चौक की, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। सिख कल्चर से जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलती हैं और उसके अलावा सर्दी गर्मी और अलग अलग सोवेनियर जो आप अपनी फैमिली के लिए लेके जा सकते हैं सब आपको यहाँ मिलेगा। मणिकरण की मार्केट, चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो दोस्तों इस जगह पर आकर आपको पता चलता है मणिकरण की खूबसूरती के बारे में। यहाँ पर आइए, आप शॉपिंग कीजिए, देखिए कितनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही है, सोवेनियर मिल रहे हैं जो आप घर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मॉम को लेकर मत आना, आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा मणिकरण की मार्केट से आप ट्रैकिंग के लिए जितना चाहे सामान उठा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजीव कैसे लग रहा है? कल शाम को 6 बजे के बाद जब हम लोग सुबह 9 से उतरे उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया। भूख से ऐसी हालत थी कि हम लोग अपनी काम भी नहीं कर पा रहे, नहीं क्या तो काम करने से पहले बहुत ज़रूरी है खाना खाए और उसके बाद आगे बढ़े। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 5 बजे